अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ में आप देखें कि बहुत जल्द मानूर और शहराम की शादी हो जाएगी। तैमूर को भी इस बात का यकीन है कि मेरा और मानूर का रिश्ता मज़ीद आगे नहीं चल सकता। वो जानता है कि मानूर और शहराम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शहराम अभी तक खामोश इसलिए है कि वो मानूर और उसके घर वालों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता। उधर गुलजेब को भी तब्रेज़ की करतूतों के बारे में पता चल चुका है, अब वो उससे बदला लेना चाहती है। तब्रेज़ अब उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा है। तब्रेज़ की वालदा भी उसे कहती हैं कि तुम गैर लड़की की खातिर सब कुछ भूल चुके हो। तो तब्रेज़ कहता है कि वो लड़की कोई गैर नहीं, मेरी बीवी है। तो वो कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस किस्से को ख़त्म करो। तब्रेज़ किसी की सुनता है कहाँ है। अब गुलजेब FRI दर्ज करवा देगी कि जब वो वापस घर आती है तो तब्रेज़ घर पर ही मौजूद था। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो गुलजेब कुछ नहीं बताती और तब्रेज़ उसके साथ इजहार मोहब्बत भी करता है। शहराम भी तब्रेज़ को फैक्ट्री जाने से मना कर देता है कि तुम आज के बाद फैक्ट्री नहीं जाओगे, फैक्ट्री अब्दुल संभालेगा। उधर मानूर के घर वाले भी कराची शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। तो मानूर का स्कूल में आखिरी दिन है, वो शहराम से कहेगी आज मेरा आखिरी दिन है, हो सकता है अब हम कभी ना मिल सकें, खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शहराम कहता है कि मेरी खुशी मुझसे दूर जा रही है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, क्या आप खुश हैं मानूर। मानूर बिना कुछ बताए फौरन यहाँ से चली जाती है। उधर तैमूर ने भी शहराम का काम छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो शहराम उससे बात करने के लिए उसके घर पर चला जाता है। तो तैमूर गुस्से से कहेगा मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। तो शहराम को भी समझ आ चुकी है कि तैमूर को आखिर मसला क्या है। हो सकता है कि शादी वाले दिन तैमूर शादी करने से ही इनकार कर दे, या हो सकता है कबीर मानूर से बदला लेने के लिए तैमूर को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। तो नाज़रीन, ये मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।